हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस के राज बैदाड़ी शाहपुर में। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज से इंटर का एग्ज़ाम चालू हो गया है, जिसमें कि पहला शिफ्ट साइंस के फिजिक्स का एग्ज़ाम था, जिसमें हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे और बाकी आर्ट्स का भी, आर्ट्स के सब्जेक्ट का भी सोल्यूशन किया जाएगा। आइए चलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, डी वी वाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर तीन, विद्युत फलक्स का ऐसा मात्र क्या है। इसका आंसर, इसका कंफ्यूजन में आए, अगर आप लोग को पता हो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4.2। फाइव नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। क्वेश्चन नंबर छः है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय आर। सातवां नंबर क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिघात होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर नाइन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य। दसवां नंबर क्वेश्चन है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू बराबर एच वी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉर द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द्विआधारी संख्या की दशमिक संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टता। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच में इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2c/3। क्वेश्चन नंबर 20, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FO/FE। क्वेश्चन नंबर 21, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत। 24 नंबर है, कॉर्निया वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा में ER का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, QE। 28 नंबर, चित्र में ए और बी के बीच समतुल धारिता होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C/2। 29 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव परवल का ऐसा मात्रक क्या होता है। एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होगा, इसका कन्फ्यूज है आप लोग। अगर आप लोग को पता है इसका आंसर तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय यमंतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण बी पर 36 घटक
बी का उदर घटक बी भी में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका भी कन्फ्यूजन में अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी, इसका भी कन्फ्यूजन है, अगर आप लोग को पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 36, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। 39 नंबर क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 41, एक एम्पियर बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। 44, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फा कण। 45, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति परास है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 300 MHz। 46, को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 47, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, घनावेशित। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, h/2π। क्वेश्चन नंबर 49, दाता अवद्रव परमाणु की संयोजकता होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 50, वोल्टामीटर मापता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभवांतर। 51 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत विभव बराबर होता है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक फैराड बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, टी समय तक धारा आई के प्रभाव के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, ऑप्शन इसका आंसर पता नहीं है, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच का संबंध क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, इसका आंसर आप लोग अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 63, चुंबकीय क्षेत्र वी में वी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है, इसका अगर आप लोग का आंसर पता हो तो ज़रूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 65, 1 हेनरी बराबर होता है 10^-3 MHz, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये बाइनरी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड और नॉट। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोटोन।
क्वेश्चन नंबर 70, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिया गया है। कृपया आप लोग इसे जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें। नमस्ते, धन्यवाद।